नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रोटन के प्लांट के बारे में। और क्रोटन उसका ब्यूटीफुल फॉलिएज के लिए लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल लुक्स के लिए। और देखिए, मेरा 3 क्रोटन का प्लांट है और तीनों ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। समर में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है तब मैं ग्रीन नेट के नीचे इसको ले लेता हूँ, और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। विंटर में ये तो अच्छा नहीं करता है, लेकिन समर में भी अच्छा नहीं करता है, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है। जो बीच बीच का सीज़न है वहाँ पे ये बहुत बढ़िया करता है, जैसे कि स्प्रिंग, ऑटम, आपका वही सीज़न में ये बहुत अच्छा करता है, क्योंकि टेम्परेचर इसको बराबर मिलता है। समर ख़त्म होने के बाद अगर ये लेगी हो गया है तो इसे आप काट दीजिए, प्रूनिंग करने का ये बेस्ट टाइम है। इससे आपका प्लांट घना होगा, लेकिन मेरा उतना हाइट में नहीं आया है तो मैं नहीं काटूँगा। इसके टिप को अगर थोड़ा थोड़ा काट दूंगा तो और घना होगा, लेकिन आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और अभी थोड़ा कुड़ाई गुड़ाई और इसका फर्टिलाइज़र देने का वक्त है, क्योंकि बारिश का सीज़न बहुत बढ़िया होता है इसके लिए, ग्रोथ बहुत बढ़िया आता है। और समर में ये पूरा फीका फीका लगता है और इसका पत्ते भी सूखा सूखा लगता है। अभी देखिए इसमें चमक आ गया है। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, इसमें NPK या कुछ ऐसे नहीं डालना है, क्योंकि ये फ्लावर तो आएगा नहीं इसमें, ऑर्नामेंटल लुक्स के लिए ही आपको लगाना है। तो इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले जो वीड से आप उसे हटा लीजिए, और गमले का थोड़ा कुड़ाई कर लीजिए, गोबर का खाद थोड़ा ऐड कर लीजिए, ये सब बेसिक चीज़ें होता है। और इसका पत्ता देखिए कलर चेंज करेगा अभी, और मुझे रेड कलर का क्रोटन अच्छा लगता है, इसमें रेड कलर आएगा बाद में। ये देखिए, ये जब पुराना होता है तो रेड आता है, पहले इसमें येलो आता है। ये बिल्कुल भी डिजीज फ्री प्लांट है, डिजीज लगता नहीं है इसमें। और अगर लगता है तो आप लाइट इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का लाइट डोज लेकिन दीजिएगा। इसमें आप क्लोरोपायरोपस साइफरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, अगर कुछ लगता है स्पाइडर माइट्स या फिर मिलीबग। और नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसका पॉट का साइज बड़ा होना चाहिए, प्लांट के साइज के ऊपर है। प्लांट बढ़ेगा तो आपको बड़ा पॉट में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और नीचे अगर लगाए हैं तो इसको टेंशन फ्री है आप, क्योंकि नीचे बहुत बढ़िया ग्रो करता है। और पानी भी इसे बराबर दीजिए, क्योंकि सॉइल मॉइस्ट रहना चाहिए, ड्राई मत छोड़िए। अगर ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसमें थोड़ा आप यूरिया ले सकते हैं। ये देखिए यूरिया है, और इसमें नाइट्रोजन होता है और फोलियर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों, पॉट में लगा होने पर क्या होता है, वहाँ से प्लांट फर्टिलाइज़र ले लेके वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा यूरिया भी डाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। और गमले में आप बस 6-6 दाने डाल दीजिए, बड़ा प्लांट है तो, और छोटा है तो आप 4-5 दाना डाल सकते हैं। और दोस्तों, रही बात इसकी सॉइल की, तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में हो जाता है, कैसा भी आप सॉइल लीजिए, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ सैंडी सॉइल और गोबर का खाद। और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, बारिश में अगर वाटर लॉग हो जाएगा यहाँ पे पानी ठहर जाएगा और प्लांट आपका रूट रॉट होके मर जाएगा। तो बारिश में ये काम आपको करना है। और इसका स्टेम कटिंग अगर आप लेंगे तो अभी बढ़िया टाइम है, ये बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा। इसका 5-6 इंच का कटिंग ले जाइए और लगाइए सैंडी सॉइल में, या फिर पोरस मीडिया में लगाइए, और इसका रूट आ जाता है 25-30 दिन में। और इसका प्लांट भी नर्सरी में बहुत सस्ते में आता है, 60-70 रुपया में आपको मिल जाएगा ये। और दोस्तों, सनलाइट इसको चाहिए 3-4 घंटे का, मॉर्निंग सन में आप देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और हर सनलाइट में इसे मत रखिए, क्योंकि प्लांट एक बार स्ट्रेस में आ जाता है तो सब पत्ता गिरा देता है, इसीलिए इसे सनलाइट और वाटरिंग बहुत अच्छे से कीजिए तो बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा। और देखिए कलर चेंज कर रहा है, कुछ कुछ पत्ता लाल हो रहा है नीचे का, और ये येलो जो देख रहे हैं सब लाल हो जाएगा बाद में, तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ये वीडियो। तो आपके पास भी क्रोटन है तो उसका देखभाल कीजिए, और अभी फर्टिलाइज़र थोड़ा दे दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा देखभाल और आपका क्रोटन चमक जाएगा। तो इसी तरह करता हूँ मैं मेरे क्रोटन का देखभाल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फिर चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।